शासन के लिए सरकार ने अनोखी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उमदा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। जी हाँ, आस्था का कुंभ समाचार प्लस आपको दिखा रहा है कुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। हमारे संवाददाता लगातार चप्पे चप्पे पर बने हुए हैं, कुंभ के अलग अलग अंदाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और वहां किस तरह के रंग, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, लोग कितने भक्ति विभोर हो रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम रंग, वो तमाम अंदाज आप तक पहुंचा रहे हैं समाचार प्लस के सभी संवाददाता। 2400 घंटे वहां पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर बनाई हुई है अपनी नजर। संगम की रेती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। जाहिर सी बात है कि प्रशासन के सर पर इस आस्था के कुंभ को संभालने का जिम्मा है, इसलिए प्रशासन ने यहां कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और पूरे कुंभ परिसर की निगरानी की जा रही है। आपातकालीन स्थिति में 5 मिनट में पूरा मेला क्षेत्र सील किया जा सकता है। महाकुंभ के चलते आज प्रशासन ने एक मॉकड्रिल का आयोजन किया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सघन चेकिंग जो है गाड़ियों की वो चल रही है। जो लोग संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कड़ाई से जो है ये चेकिंग चल रही है और लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। गाड़ियों के अभी यहाँ पे सिर्फ चेकिंग हो रही है, गाड़ियों में देख रहे हैं कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या कुछ और ऐसा जो है वो न ले जाया जा रहा हो। इन सारी चीजों के दौरान हम यहाँ पे बात भी करना चाहेंगे, जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे साथ उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये चेकिंग किस कारण से चल रही है और क्यों जो चेकिंग है वो चल रही है। जी सर, ये चेकिंग एकदम से क्यों चल रही है यहाँ पे? अब हाई क्लास जो अधिकारी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्या है, मैं नहीं जान चाहता हूँ। एक पूरे हम लोग आज इस स्थिति में है कि 5 मिनट के अंदर हम पूरा मेला सील कर सकते हैं। एक परिंदा भी
मेला से बाहर न निकल सकता है न मेले के अंदर आ सकता है। तो क्या जो टेंट वगैरह हैं इनकी भी चेकिंग हो रही है? सब कुछ चेकिंग हो रही है, हमारा माइक्रो सेक्टर है, हर सिपाही की जो है हर जगह बटा हुआ है और अपना काम कर रहा है। तो देखा आपने कितनी जबरदस्त जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया गया है। 5 मिनट के अंदर पूरा मेला जो ग्राउंड है, ये मेला, ये जो कुंभ नगरी बनाई गई है, इसको सील किया जा सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आलोक पांडे, समाचार प्लस, महाकुंभ, इलाहाबाद। इलाहाबाद में लगे कुंभ में हर देश के नागरिक डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल के नागरिक कैसे पीछे रह सकते हैं? नेपाल के साधु संत भी संगम तट पर अपने अनोखे अंदाज में भक्ति में लीन है। हरे राम का जाप करती इन महिला सन्यासियों को देखिए। ये महिला किस तरह अपने कैंप में भक्ति में लीन है। वैसे तो संगम तट पर पहुंचे सभी भक्त गंगा मैया की भक्ति में सराबोर हैं, लेकिन नेपाल से आई ये महिला सन्यासिनी हरे कृष्ण हरे राम का जाप करती हुई भक्ति कर रही है। इन महिला सन्यासियों की बात की जाए तो ये महिलाएं केवल हरे कृष्ण का ही जाप नहीं कर रही, बल्कि नेपाली भाषा में भी कीर्तन भजन कर रही है। फिलहाल इस बार के कुंभ में हर तरह का रंग दिख रहा है। कहीं विदेशी योगा कर रहे हैं तो कहीं गंगा मैया की आरती गाई जा रही है। ऐसे में नेपाली महिलाएं भी अपने तरीके से भजन कीर्तन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी आस्था का पर्व कुंभ में गंगा में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें राज्यपाल तो परमार्थ निकेतन आश्रम के साथ साथ जूना अखाड़े द्वारा भी कुंभ में आने और स्नान करने का निमंत्रण उन्हें दिया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए राज्यपाल 19 जनवरी को इलाहाबाद जा रहे हैं। वहीं आज गुरु पर्व के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने राज्यपाल रेस कोर्स में मौजूद गुरुद्वारे में गए, जहां उन्होंने मत्था भी टेका। बुलाया उन्होंने, मतलब कैसे के मई का मई तो बुलाया उन्होंने, दो जगह बुलाया है, परमार्थ आश्रम में बुलाया और जूना अखाड़ा ने बुलाया, दोनों जगह जा रहा हूँ। इलाहाबाद में कुंभ में बड़ी तादाद में विदेशों से भी श्रद्धालु आए हैं। इन लोगों ने संगम के तट पर योगा किया और गंगा में डुबकी भी लगाई। इंडिया आए इन लोगों को कुछ ऐसी ललक लगी है कि दिल और दिमाग दोनों संगम को सौंप दिया है। स्नान और ध्यान में खो जाने की जिद जो घर जाने से पहले भी खत्म नहीं हो रही, एहसास हो चुका है इन्हें ये तमन्नाएं ताकत से नहीं तकदीर से पूरी होती हैं। यही कुंभ की असली कहानी है, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। ये वो जगह है जहां तन और मन को धोने का जिम्मा गंगा यमुना ने उठा रखा है। पूरे विश्व में भारत की वैदिक संस्कृति और सरस्वती संस्कृति जो है, ऋषि मुनियों का ज्ञान जो है, उसके द्वारा और योगा एंड डेली लाइफ साइंस ज्ञान विज्ञान के द्वारा सारे विश्व में शांति हो। ये जमघट यूं ही नहीं लगता, इसका एक उद्देश्य होता है, विश्व की शांति का, खुद की सलामती का। इसीलिए सिर झुक जाते हैं, हाथ ऊपर उठ जाते हैं, उजले चेहरों की चमक दूनी हो जाती है ओंकार की गूंज से। अध्यात्म का ये ऐसा विज्ञान है जिसका रहस्य शरीर और आत्मा के भेद को मिटा देता है। ये एक ऐसी नादानी है जिसकी चाहत बार बार होती है। ये लोग जो विदेश से आए हैं, कल ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं वापस उनके देश, तो आज भी उनकी सभी की इच्छित है कि एक बार और स्नान करें और गंगा जी के दर्शन करें। आपने भी देख ली अपनी ताकत, तो इसलिए अगली बार पश्चिम पर तोहमत लगाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा
देश के ज्ञान को, अध्यात्म के विज्ञान को और उस इंसान को जिसकी छांव से ये भारत छोड़कर जा रहे हैं। इलाहाबाद से शोएब रिजवी के साथ अरविंद पांडे, समाचार प्लस। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, एक माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। And then, interestingly, refreshing mini gum. शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क वन मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क वन मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर बादाम और रोज फ्लेवर्स में। जौनपुर के बीएसपी सांसद धनंजय सिंह पर हत्या का केस दर्ज, पुरानी रंजिश को लेकर अनिल मिश्रा नाम के शख्स को उतारा गया था मौत के घाट। सांसद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ FIR। समाचार प्लस की खबर का असर, देवरिया के एसपी ने कोतवाल सूरजपाल सिंह पर लगे आरोपों की जांच के दिए आदेश। कोतवाल ने मीडिया कर्मियों के साथ की थी बदसलूकी। उत्तराखंड विधानसभा में बड़ा हादसा होने से टला, शॉर्ट सर्किट से विधानसभा की फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग, कर्मचारियों ने वक्त रहते आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार यूकेडी से सस्पेंड, पार्टी अध्यक्ष ने किया ऐलान, पवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन, तीरथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दाखिल किया पर्चा, भगत सिंह कोश्यारी ने नहीं भरा पर्चा। 2014 के लिए पिंक सिटी जयपुर में कांग्रेस का चिंतन, सोनिया ने कहा राज्यों में हार से मनोबल पर असर, पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों को बताया जरूरी। लखनऊ में आई इस वीक में अखिलेश ने अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा गलत कार्यप्रणाली से खोया सम्मान, कानून व्यवस्था पर बताई और सुधार की जरूरत। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी भी लगाएंगे कुंभ में डुबकी, जूना अखाड़े के निमंत्रण पर शनिवार को जाएंगे इलाहाबाद। गोल्फ प्रीमियर लीग 2013 के लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी शुरू, NNI और GTM ने खरीदी है उत्तराखंड लायंस की टीम, CEO उमेश कुमार नीलामी प्रक्रिया में शामिल।
और दिल्ली नोएडा समेत कई इलाकों में हुई जमकर बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, हिमाचल और उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी, ठंड बढ़ी। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देवकी। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा और आज